गुड मॉर्निंग जी सारा ने, गुड मॉर्निंग तो बोल, सॉरी राम राम जी सारा ने बोलूँगी क्योंकि गुड मॉर्निंग तो बोलिया है, तो ड्यूटी ऑफ हो गई है मेरी और ईव मैं निकली हूँ घर खातर। तो ये मोस्टली यूँ ही रहा भाई ड्यूटी करके, आधी बार तो मैंने सारी रुकना पड़ा सुरेश के पास में और आधा ज़्यादा बार घर पर निकलना पड़ा है, क्योंकि आपने पता है कि ऐसी ही कंडीशन चल रही है। मम्मी ने संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मम्मी बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो अब बिल्कुल अकेले पापा जाए बाद में भाई क्यों मम्मा जाए बाद में बिल्कुल यूँ हो गए हैं, बिल्कुल उदास से, बिल्कुल अकेले अकेले से। तो मैंने खुद, तो आपने पता है मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो मैंने खुद के साथ साथ में फैमिली भी संभालनी पड़ने लग रही है। तो बहुत दिन के बाद में मैं आपका स्वागत करने लग रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हुए, कम से कम 1.5-2 महीने आ गया मैंने ब्लॉग बनाई, बस एक आधा कदा वैसे ही डाल दूँ, कंटिन्यू ब्लॉग नहीं रख पा रही और पता नहीं रखे भी जाऊँगे या नहीं, कुछ नहीं पता अभी, लेकिन कोशिश करूँगी रखे जावें। लेकिन पता है गाइस क्यों रहा है ना, इतना टाइम लगता बिल्कुल भी, तो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने लग रहा है, क्योंकि ड्यूटी हो जावे और ड्यूटी के बाद मेरी खुद की तबीयत खराब हो रहा है, सारी रात वैसे भी नींद नहीं आती, मैंने सुबह जाके नींद आवे, खुद का भी ख्याल रखना मैंने बहुत जरूरी है, मेरे खातर नहीं तो वही फैमिली खातर भी जरूरी है, और वैसे भी चलो और किसी खातर भी जरूरी है, वो मैं बता कौन सकती है अभी, और बताना मैं बहुत काफ़ी टाइम तो चाह रही हूँ आपने, लेकिन हमेशा कोई ना कोई इसी न्यूज़ आ जाए, बीच में बैड न्यूज़ आ जाए, इसके कारण फिर मैं आप सबकी वह चीज़ नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मोस्टली ना पता ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी बताऊँगी कि कुछ है कि कुछ नहीं। लेकिन सच्ची बताऊँ इतनी डाउन हो लूँ मैं बिल्कुल ही तबीयत में भी, और साथ में ड्यूटी, साथ में ससुराल और साथ में घर, बहुत ज़्यादा परेशान हो लूँ, और ऊपर देखती इसी सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन आ रही है, पता नहीं के निकला था मुँह में तो कुछ नहीं पता। तो गाइज घर भी जाना कि देखना पड़ा है, और बाकी तो पापा की भाई 13वीं भी होली थी, और जो मोकर आकर हैं महीने तो 2-3 दिन कम हो के आकर बड़ सी आकर कि पता नहीं छमाही करे आकर हैं, तो किसी घर कुछ बोल देते हैं, हमारी साइड में छमाही बोल रहे हैं, तो वो भी हो चुकी है। और फिलहाल जो पापा के उस टाइम था कुछ डॉक्यूमेंट का कुछ काम दाम शुरू नहीं कराया था, तो ये पापा के जो डॉक्यूमेंट है उनका काम दाम स्टार्ट कर रखा है, तो मम्मी के जो पापा के थ्रू मम्मी के भाई ट्रांसफ़र करवाने लग रहे हैं, ट्रांसफ़र तो सब में होगा लेकिन मम्मी में करवाने लग रही हूँ, और क्या था जिसरे भी मम्मी की जो भी पेंशन बने गया वगैरह वगैरह, तो उन डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है, और उन डॉक्यूमेंट का काम चल रहा है, तो भाई फिलहाल मोनू भी छुट्टी पे है, तो वो मोनू भी करवा सका, लेकिन दिक्कत ही आ रही है, आपने पता है भाई एक नेट की वजह से आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी जो फैमिली आइडिया वगैरह वगैरह सब में मेरा नंबर है, तो मेरे पास OTP नहीं आने लग रहा, और OTP अपने हिसार जिला में आओ भी को नहीं, क्योंकि नेट नहीं चलेगा तो OTP कहाँ था आएगा, तो फिलहाल मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ, जान लग रही हो जिस तरह अपना गांव है, अपने गांव तो अगला ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से भाई और तो नेट जोड़ रखे हैं, चल मेरे पास वाईफाई तो है, लेकिन वाईफाई का क्या फ़ायदा, जब नेट होगा तब ही आवेगा, जब नेट ऑन होगा वाईफाई तो कुछ वही जो टेक्स्ट मैसेज है वो नहीं आवे। तो गई बीच में मैं मोनू तरफ फोन मिलाने लग गई थी, उसने कहने लग रही थी कि मैं गांव में पहुँच ली हूँ, बस 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी, जल्दी सी आ जाओ बस स्टैंड पर, तो बस स्टैंड पर आ जाओ, अगर मैं दूसरा गांव में जो हमारा गांव था अगला गांव है चनाना वहाँ पहुँच जाऊँगी, वहाँ पर OTP आ जाऊँगा। काफ़ी दिन तो परेशान हो रही है क्योंकि तड़का नहीं, परसों कल हाँ परसों की मोनू की ट्रेन है, परसों निकल जाएगा मोनू, तो उससे पहले हम सारा काम करवा लें निपटा लें कल, और लोग मैं गुर्जार चेंज कर लूँ। और फिलहाल तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और तबीयत खराब तो चल ही रही है, साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, और फिर मम्मी ने फ़ोन कर दिया था बस, तो मैंने और भी ज़्यादा गर्मी लगने लग रही है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है मेरी, और रात ने तो सारी रात वैसे पहुँचो पाँदी, दिन में ड्यूटी हो जावे है, और रही खई इतनी सारी भाई परेशानी, घर की टेंशन वगैरह वगैरह बहुत सारा काम हो जावे है, सो भी नहीं पाती, और फिलहाल है वो मेरा थोबड़ा बिल्कुल ख़राब हो चुका है भाई, थोबड़ा के साथ साथ सारी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, पता नहीं भाई किस तरह वापस लाइन पर आवेगी, लेकिन मैंने पता बहुत जल्दी लाइन पर आ जाओगी, लेकिन जो चीज़ है भाई उस चीज़ की कमी तो हमेशा रहेगी, और रही बात तो पापा की कमी तो हमेशा ही रहेगी लाइफ में, हमेशा रहूँगी हर मोड़ पर रहेगी, और बेचारा मेरा ससुरा भी पता है, मेरे ससुर जी मेरे तो बात कौन कर पा रहे हैं जब तक पापा यूँ हुए, क्यों एक बार पापा ने फ़ोन मिला लिया था तब मैं तीसरा ससुर जी ने पापा क्योंकि पापा बोल लिया करो अपने पता है मैं पापा का ही बोल रही, तो मैं रोने लगी बहुत बुरी तरह, क्योंकि पापा कहती मैंने आप सब पता मैंने याद आ गई थी एकदम तक, तो फिर दोबारा फिर एक बार मेरी बात हुई तो मैंने पापा कहा, तो मैंने बहुत दिन तो पापा तो बात नहीं होने लग रही है, तो बहुत दिन हो गए मेरे पापा तो भी बात नहीं होने लग रही, क्योंकि पापा ने पता है मैं पापा वर्ड यूज़ करूँगी रुपए रहूँगी, तो इस वजह से पापा तो मेरे बहुत दिन तक बात नहीं हो पा रही है, और मैं भी क्या करूँ भाई,
मैं पापा वर्ड क्यों पापा ही लाडली थी हमेशा था ही, और पापा वर्ड यूज़ करता ही करता करता ही करता मेरे बिल्कुल ही पापा याद आ जाए हैं, तो इस वजह से। तो गाइस कल देखा होगा आपने, तो कल मम्मी वाला सारा काम पूरा करवा दिया था, और मैं मम्मी तो मैं रूबरू फोन करवा पाई आप सब ने, क्योंकि अभी मैं मम्मी ने नहीं लेके आना चाहती ब्लॉग में, क्योंकि मम्मी अभी बहुत ज़्यादा सैड सैड हैं, और थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा सब तब फिर मैं मम्मी ने लेके आ जाऊँगी। तो अभी मन भी अच्छा ना लगे यार थोड़ा, वैसे तो यूँ हो गया है भाई एक महीना और 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर मन अभी थोड़ा सा फील सा हुआ था, तो फिर मैंने घर पर जाके ब्लॉग बनाया नहीं, रस्ते में गाड़ी बना लिया जो बनाना था वो, और फिर और कल सारा काम निमटा नुमटू के और सुबह निकली थी मैं वापस ड्यूटी पे। तो मैं ड्यूटी करके आ गई थी, और ड्यूटी पास के कुछ केस था वो था मैंने बताऊंगी, मैंने अजीब सा केस लग गया आज तो उसके बारे में था मैंने बताना चाहूंगी मैं। और अब मेरा आइसक्रीम खाने मन कर गया था, बहुत ज्यादा मन कर रहा था, और बरवाड़ा सिटी पहुंच चुके हैं, इतनी अजीब सी सिटी है, इतनी अजीब सी सिटी है पूछो मत ना, सारा रोड राड सब कुछ फूटा पड़ा, दिखाओ था थोड़ा सीन देखियो, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब यही तो जाना यही तो आना, इतना अजीब सा शहर है पता नहीं। तो मैं ड्यूटी पर निकल गई थी गर्त सीधा और सुरेश फिर इशारत, और अब बरवाड़ा आए हैं जिस तरह मैं ड्यूटी फिनिश करके और जल्दी बरवाड़ा आ गई थी, और अब सुरेश इशारत बरवाड़ा आए हैं, और मैं उस साइड तक जिस तरह उन्होंने पता कौन था, उन्होंने थोड़ा बरवाड़ा पहला काम था तो वो मेरे से पहला आ लिए थे बस में, और मैं अब आई हूँ, और ये इतना मेरा बस स्टैंड पर वेट करने लग रहे थे अपना काम को निमटा के, और अब इनका काम निमट लिया है, और बनाती आइसक्रीम की डिमांड कर दी, बस निकल लग गया, मैंने साइड में लगा तो रखी है गाड़ी, तो फिर आइसक्रीम तो आ चुकी है, पता नहीं दोबारा जा रहा है क्यों जा रहा है वो, अनु का है ड्राइवर शीट तट ले देख लो, तो गाड़ी मैं लेके आई हूँ ना रिसीव करने खातर कि भाई हाँ रिसीव करके मैं लेके जाऊंगी, और ये देखी ई वाया है अनुका गाड़ी तो साइड मट ले, मैंने साइड मटावा ही, आप बताइए गाइस ये ना इंसाफी नहीं, तो मैं इन्हें रिसीव करना आई तो मेरी तो गाड़ी छीनने लग रही है, कोई बात नहीं, बाकी भी यहाँ पर भीड़ जम चुकी है भाई, दो दो बस खड़ी हो चुकी हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, मैं जल्दी सी अब बस निकलती है यार, गाड़ी निकालूँ जल्दी सी मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। और सुरेश आ गए हैं बस, ओ तेरी गोलगप्पे खान लगे, इतने इतने लालची लालची क्यों चटोरे हैं चटोरे, उन्हें पता है मैं कुछ भी ना खाऊँ, अरे साइड में जाए गोलगप्पे खान लग रहे हैं, खा ले कोई बात नहीं, आइसक्रीम जमा भी ना दूँ देख भी ना लग रहा कद मांग ले मैंने बाकी पता है कि मैं खाऊँ को नहीं, और बाकी अपना फीस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो कोई किसी के पास दवाई हो कुछ हो तो मैंने ज़रूर बताई हो, फीस खराब होने लग रहा है मतलब कि स्टार्ट होया है, तो ये भी कोई दवाई दूई हो तो मैंने ज़रूर बताई है। कुकर कपड़े कपड़े खाने लग रही, काट बड़ा डब्बा ले देख लो तो हमें आइसक्रीम का डब्बा दिखाइए, काट डब्बा ले रही आइसक्रीम का, एक बार कहे मेरे लग खा ले तुम भाई खा गए ठीक सर है, अरे ये झूठे ना बोलो ले हमें ना कि मैं निकला पूछ रहा हूँ बस, हाँ सोनू का तो कल पाओगे मेरा है, मेरा जूठा लगा दिया सारी नुक्की नुक्की कटोरी आप खा गए, अरे गोलगप्पे भी खाए को नहीं देख लिया खाते पिछले वीडियो में देख लिया था ठीक है, गोलगप्पे खाए और कुल्फी भी खाई वा दूसरी न्यारी खीसा टाइप में की होया करा वा तिल्ला कुल्फी वो खा गए, और मेरा डब्बा खाली करके वो न्यारा था, इतना चटोरा है जो माँ जी फिर ला रहा मुंह पर गया, मेरा फेस खराब होने लग गया अभी पूछना रही है हमारे ससुराल में, हमारे ससुराल में नहीं सॉरी मेरे ससुराल में इनका काम हमारे ससुराल में, मैं घंटे टुटोड़ के कौन और कौन देखा है, राजनी को देख दिया आज मेरी मांग भरी गई, मतलब ये राजा उन्हें सुमन लिया होगी मांग मचे बदेगी आज बलेरू को रुक मर किया घर में काम हमारे की हो गया देख बुरा
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਗ ਵਰਦੀ ਚੜੂ ਚੜੀ ਉਹ ਪੜਾ ਚੂੜੋ ਪੜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਕਾਇ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲੂੰਗੀ ਪਿੰਗਲ ਜਾਓਗੀ ਅਰੇ ਪਿੰਗਲ ਜਾਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਪੀ ਲਈਏ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ तो हम जब के घर आए हैं तो सुनी कैसे इसने काम पे रहा है बढ़िया है क्यों यार तुम सारे ने बेरा भी मोटी हो रही तगड़ी हो रही पहला तो पूरा खगड़ सा टाइप की हो रही है इतनी मोटी हो रही है इतनी मोटी हाँ खा खा के पूरी मैस हो रही इस चक्कर में इसके सोनी सारे के सारे इसके सूट साट खोलन लग गई बोले मेरे सूट ससुराल में आगे इतनी मोटी हो गई बोले मेरे वो को नहीं होंगे सूट को नहीं आवा ना सारे सारे खुला दिए कितने कितने खोले सोनी आहो इतनी मोटी हो रही है के फोड़ दिया करूं सर के फोड़ दिया करूं इसका सर फोड़ना है इसका ग्राइंडर के लिए ओ करो नहीं केले का हां तो कुछ मिक्सी रही उड़ तो मिक्सी बना लिया है तो मिक्सी में तो खचड़ा हो इसमें मिक्सी में के खचड़ा बता फिर भी दो और जग जाग दो ना। इसका बस कुछ भी नहीं करो तो जग में इसमें भी तो जग में बनाओगे फिर दोना पड़ेगा जग मम्मी मेरा कत को ले जाने दी हैं भाई गरा हो फिर बनाना कौन पड़ेगा ना ना अगर अगर हम मिक्सी रही है रोड भी तो मिक्सी है अगर हम तो मिक्सी अभी तो खेचड़ा होगा मां मिक्सी घर आते तो कुछ रोज आओ तो मोड़ तो रोज रहा है मम्मी रोज कौन सा बनाई दे होने मां बना दिया करेंगे सोनी का मोटी हो रही जाए तो सूट खोल लगी इसकी आज तू मोटी माटी कड़ी तो सूट खोलना है इसकी मोटी हो रही जदे तो खोलना है रही है बता गया नीचे गया वो तो हाँ कितने कितने खोले सूट तो ना बेरा किसके दिखाइए आ दिखा मम्मी बाल दिखाई तेरे एक बार बाल दिखाइए मेरा सर पतलो तत करिए उन्होंने आज तो पूरे काले बाल दिखे के चक्कर है मेहंदी लगाई मेहंदी कट दी गए दिन में नींद पूरी कर ली आज सोई दिन में पूरी अमरूद मेरे हाथों को लिया तेरे हाथ लाई पाऊगी मैं किस खातर लाई है किस खातर लाई बता सची ਪੁਰਖਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਗੀ ਮੁੜਾ ਅਲਗ ਕੇ ਤੜਾ ਕਰ ਖੇਤ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਸੰਭਾਲ ਗਈ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇ ਲੋ ਖੇਤ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਦਾ ਲਿਆਏ ਤੋ ਜੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਬਣੇ ਇਤਨਾ ਇੰਨਾ ਖੁਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਸੋਨੀ ਬਤਾਈ ਕਿਤਨਾ ਇਤਨਾ ਖੁਲਾ ਦਾ ਸੋਨੀ ਬਤਾਈ ਇਹ ਤੋ ਕੋਣ ਅੰਗੜਾ ਬੱਲੇ ਅਮਾ ਇਤਨਾ ਇੰਨਾ ਖੁਲ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਕੋ ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸੁਣੋ ਇਸ ਕੋ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਸੂਟ ਕੋ ਉੱਪਰ ਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਰੇ ਦੇਖ ਹਾਂ ਨਿੱਚੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਉੱਟ ਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਸੂਟ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾ ਹਜਮਾ ਉਪਰਮ ਸੇ ਫਿਰ ਹਲੂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਟ ਟਾਈਟ ਸਾ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਅਨੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਕੇ ਜਾਉਂ ਹੂੰ ਅਰ ਬਿਨਾ ਖੁੱਲੀ ਪਰ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਆਲ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਕੇ ਥਾ ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਾਛ ਤਾਰ ਕੁੱਕਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਈਫਾਈ ਯਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਲਏ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੰਮੀ ਬਤਾਓਗੀ ਮੰਮੀ ਬਤਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਮਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੰਮੀ ਵਾਈਫਾਈ ਮਾਂ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾਈਫਾਈ ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ दिखाई रोज मनु सुन को नंदा इतना टाइट था यो ये रोज इतना टाइट था रोज मुंह पर जाया करते थी क्योंकि अब मेरा को लगा करता और आज देख खुला लिया तो सारे करके बैठ के कह है आज तकड़ी तकड़ी लागे जमा तकड़ी तकड़ी भू लागे है आज मोटे लागे आज उर तो तकड़ी तकड़ी लागे हूं उर तो तकड़ी का दोंगी बता का दोंगी होगी पहले तो लगा ना नहीं दिखा कुछ बार लगा मम्मी का बस करो बात मैं बोले मैं फैसला नहीं जी के खान लग रही है ਕੂ ਕੇ ਖਾਵੇ ਪਿੰਡੀ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਆ
ਕਹੀਏ ਸੁਰਮਾ ਨੂੰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਖਲਾਣੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਮਾਂ ਮੰਮੀ ਮਾਉ ਸੂਟ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲਾਣੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਹੋਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਾਂ मानस है तेरा चुरमा बना हमारा गुड़ का इसका खंड का मैं इस इसका बना सर बना है तेरे सिंह तेरे और खोलने पड़ेंगे तेरे कोट भी खोलना पड़ जगह दे खोलने वाली देख जा बैठी ए अर्जुन होने वाली वारी तो तेरा क्यों मीटर में खर्चा आया तार खाने वाली मैं रही इतना गुड़गड़ रखा जमा लगे गुड़ खान ला वो क्या करना है वो एक आधी बार को नु क्या करना है कि रात ने मिठाई बार को निकला बहुत चिमट जाए नु चिमट जाए मेरा मेरी माँ के क्या कर दे नु अगर है माली बुता चिमट जाए बूरी का किचमट दे दे तो अब अगर टोक कम चिमट जाए टोक मेरे के चिमटे मैं भी तो तो ना दी दूध दे खाऊंगी रोड़ा दूध यार वो पूरे खाऊंगा जी और तो के ठा के ले पूरे खावा मम्मी बेटा बड़ा सामान पड़िया है बैठा लूंगा तू रोज रोटी अपना खा ले आऊं उठा के ले ठा के ले देख देख लो गाइस देख लो लैंप लूंप लगा कर थोड़ी जमा दुखी हो रही है फुल और मन उचाटी हो रही है देख काश मैं ना आती तो मैं इनको परेशान ना करती अरे ये बयान हो सकी पता माड़े ही बुलाई वह बार बार फोन कुआ है कुआ आ गई यार सबेरा काम दे रखा सबेरा उठी के लग रही है बेचारी कपड़े खोल नहीं दोबारा बुलाऊंगी मैंने कौन बुलाऊ ना फिर दोबारा नु कौन सोची दोबारा फिर काम ले आऊंगी मैं डाइट कम करनी पड़ेगी गणी मोटी होगी है ना मैं कुर्ते खुलाने पड़ेगी गणी मोटी होगी मैंने सोचा होता मैंने कपड़े खुलाने पड़ेगी जमा फूल गई जमा दिमाग फूल गया है सोचा था अपना मैं भी इतनी मोटी होंगी कदे माँ सच्चाई अपना पता चलेगी ना गाइस सच्चाई पता चलेगी तो आप नुगोगे आप कभी मोटे हो ही नहीं सकते क्योंकि देखना हाथ मेरे हाथ बच्चों से ही पतले हैं मेरे दो सात आठ साल के बच्चे ही अगर ना उस तरह के हाथ है मेरे जो पतले पतले से मोटे के बताओ ना मैं बता रही हूँ ना सूट खिलाने पड़ रहे थे मोटी होगी ना लेकिन वो पता नहीं भाई मेरे गलूरे कद फूल देंगे मेरा सपना भाई मेरे मोटे मोटे गलूरे हों और मोटे मोटे गुदड़ से हाथ हों वो पता नहीं मेरे कब होंगे जिंदगी में ये मेरा सपना है सपना ही रह जाएगा मैंने सोच लिया अब तो मम्मी मैंने सपना देखना छोड़ दिया ना तेरी सास को हो तो तेरे हो यू नो बताओ मैंने सपना दे आज दिन में किको थी मैं मोटा होने का सपना देखना छोड़ दिया ना ये मोटी नहीं हुई मैं लाइफ में कभी हूँ भी नहीं और ये मैं कोई मोटी नहीं हूँ कोई मोटापा नहीं है तो मतलब मैं लाइफ में कभी मोटी नहीं हो सकती तो मैंने सपना देखना छोड़ दिया आज से मोटा होने का मैं करेंगली करेंगली रहूंगी है ना मैं का करेंगली पूं हां पढ़ो मोटी हो गई जापा में हो गई जापा में हो गई क्या जापा जापा कदो आप इनकी भराई भी जापा कदो होगा तो होगी भी कि मैं खाऊंगी पीऊंगी मोटी मोटी खाऊं तो हूं लगता तो कोनी खाऊं तो बना ही हूं दो महीने पाछ देख लियो शकल चेंज कर दोगे इतनी मोटी कर दोगे मेरी मामी रखे बोली बोली मैं सोचा कर दी थी चल भाई मेरे रखा भाई रोटी राटिया में कि दिक्कत हो चल मैं को देती हूँ इन्होंने मनु देखो ये दो बिना मोटी करेगी बोलू उशी उशी पड़ी आज भी मोटी हूँ कौन से मैं रहूँ तो बिना हूँ जब तुम देख लिए तुम शर्त लगा लेते गाइज आप भी शर्त अमल की आप हमारे सामने हो और मम्मी भी उरी है और देख लो शर्त लगाने लग रहे चलो लगाओ कक्का जी कक्का जी लगाओ शर्त मेरा सैनी तेरी तीन खा गई मैं लाऊंगी जेना तो ठीक होगी तो तू ठीक होगी मैं नहीं मोटी हो जाऊंगी मैं तो मोटी नहीं हो जाऊंगी तो ठीक होगी जब मैं तो ठीक होगी तो मैं मोटी कर दूंगी मैं वो तू ठीक होगी तो बाद ही मोटी नहीं हो जाऊंगी टेंशन दादी नहीं हो जाएगी टेंशन दादी नहीं खत्म हो जाएगी बता दादी टेंशन तेरी है
बताई देखो तो ठीक है दिमाग पे मोटी है जिंग पे तो जुरते को नहीं मने फिर तो ना सूट तलसम तो तेरी खैरी है सूट खुले कौन करने पड़े मेरा होता है सोनी सूट नए सिमने पड़े फिर तो खुले कौन करने पड़े वो टेंशन तो तेरी खैरी है तो गाइस सर थमा लग चुकी है मोटा होने पे और आपको ही पता मैं मोटी नहीं होने वाली क्योंकि मैंने पहली वर्कआउट ही इतना कर रखा है मेरा वर्कआउट ही इतना कर रखा है मैंने पहले लाइफ में तो वो वर्कआउट वो आज तो सुरेश ने कहा मतलब लोग इतनी जिम मारा इतना करा मतलब 3 दिन ग्राउंड में चल जाऊँ 3 दिन के अंदर मैं वेट 2 किलो घटा सकूँ मैं तेरा तीसरा दिन गए तुम बैठे जाड़े टोक जाड़े टोक ने के तो इतनी छैल लगे तुम तेरा टोको जे छैल की बात कौन दी मैं इसके छैल हो है मैं इसके भी टोक लाग जावे तो मम्मी पे के कराएगी मम्मी टोक जा रहा है बात हो रही है तो ठीक हो जा करे मेरा पड़े मेरा होया करे मैं मन अब तो 2-3 बजे डुवानी पड़े है मैं पर हूं जैसे तुम मम्मी ਉਦਨ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਯਾਦ ਸਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਮਤਾ ਸਾੜੀ ਗਣੀ ਜੜ ਜੜ ਗਣੀ ਚੋ ਟੋਕ ਪੜੀ ਸੀ ਨਵੀ ਠੁੱਕਰ ਮੇਰਾ ਪਟਾ ਟੋਕ ਹੈ ਇਹ ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਟੋਕ ਪੜਾ ਨਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਮੈਂ ਤੇਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਕਰੇ ਤੋ ਦੜਾ मम्मी ने बोली लाज झाड़ी तेरी टोक बोली नहीं कल तेरे ऊपर कौन बत्ती करा बोली जा पछ तो अज मम्मी झाड़ मैं करी कितनी देर लगो तो बेहतर नहीं खत्म हो जड़नी बंद हो जाएगी बो की बंद जड़नी जड़ती बंद हो जाए बस जद लग मैं ये तो बड़ बड़ कर तुम्हारे गणी हो रही है है नहीं मैं मम्मी उरान देख तो हाँ टोक से शट टोक भाई उरान मेरे यार कम घर आ जाओ माँ जाओ इगड़ जाड़ा इतनी जड़ जड़ बहुत गुंडा काम है यार ये लोग गिनी मैं खाली ਕੀ ਕਰੀ ਮਾਂ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮਸੀਂ ਕੀ ਮਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਰ ਲੱਕਾ ਤੇ ਲਾ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਟੋਕ ਜਾੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਰ ਕਾ ਵੀਰਾ ਸੰਦਾ ਰਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੀ ਟੋਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਬੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਟੋਕ ਜੜੀ ਉਹ ਟੋਕਾ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਲੈ ਦਿਆ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਦੇ ਸੋਨੀ ਕਾ ਕਹਿ पधार गई है टोक तरवाई टोक उतर गई कितनी मम्मी टोक तर दी मम्मी तेरे ले दूंगा तेल मैं तेरा तेल लाऊं तेरा तेल लाऊं ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਉਂਗਾ ਤਰਾ ਹਾਂ ਤੇਲ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਟੁੱਕੂ ਆ ਹੋਗਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਇਤਨਾ ਟਿਕ ਕੌਣ ਸੋਨੀ ਮਰਾ ਫੜਾ ਲੈ ਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋ ਲਿਆ ਕਬ ਜਲੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਪਾ ਕਾ ਲੱਗ
आधा घंटा का नाटक का नाम कितना का कुड़ी भाग गया तड़का देखेगी तड़का 9 बजे आओगा चाहे 11 बजे आओगा सवेरे चाहे 1 बजे दिन में दिन में देख लिए 9 पर भी आओगा और 11 पर भी आओगा और 1 पर भी आओगा अरे मैंने कहा था तीसरा दिन मेरे टोक होगी इतनी छल तो कौन तो मात्रा टोक होगी नहीं तब का नहीं पहले मैंने कोई कर लिया टोक का तब मन तो कौन पुस कर बामन इसे सूत्र तो का करे पुस कर बढ़िया करे टोक का भी मूवी ये बात पता तेन कदम मम्मी तू छर कौन इन कदम मेरा भूम कमी की है कमी की है काने नहीं बताई माल के माल घी दूध है अरे और दूसरी चीज खाई तेन तो बता दे माटी मैन चीज की खाई बता तो देख बार चीज खा कर दी माटी को बतावा है चूल्हा ही माटी पैड़े खा कर दी अरे चूल्हा ही माटी सारी पैड़ी की थी कि तू पहले तो माटी साफ कर दी जो तो नरे घूम हो माटी आ मैं अरे बोलो मारा ही तो लोग पहले तो जमे सुतरी चिकनी माटी आ कर दी कोनी वो माटी रह रही पलड़ी हैं पहला तो रोटी माटी खा कर दी चिकनी आ दी जमा जमा चिकनी जमा स्वाद आ कर दी कोनी वो मेरी याद आ गई अरे बड़ी माटी किसी रह रही है ये तो नरे बोलो मारा है जमा नरे दड़ी दड़ी की तन्ने कर मम्मी दड़ी दड़ी की मारे और सारा बोले बोले तन तू के देख क्या कर मम्मी दड़ी दड़ी की मार रखे और माटी में बोले बोले मारा होके पहले को नहीं आकर दे पहला साफ माटी आ देगी मां साफ पहले तोड़ा कोया जोड़ा के पानी के भरया कर दे पिया कर दे क्यों साफ पानी रहया कर दा साफ पे माटी पा कर दे तो नरी गंदगी चढ़ा रखी थोड़ा मैं बात सी माटी और पहले जें तो लुगाई खा लंदी आज माटी खाओ ना ये कौन खाओ है पहले लुगाई बहुत खाए माटी मुट्टी काली माटी नहीं चिकनी यसुसी की मां मग गया छल बना दिया गई हां ये मैं छल बन गया यस सो जाओ गुड नाइट मैं तो चले सोने आपका मन करे तब सो जाना वहां बेटा गुड नाइट ओ क्या ये इतना बिच्छा कुकुर